हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोगे के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने लास्ट स्टेज में आ चुकी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल 2008 की दोनों फाइनलिस्ट टीम जो कि सीएसके और आरआर के बीच में आईपीएल का मैच नंबर 61 खेला जाएगा। ये दो तगड़ी टीम्स के बीच में तगड़ी फाइट भी देखने को मिल सकती है। दोनों टीम टॉप चार में है और अच्छा भी खेल रही है। राजस्थान जहाँ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से एक मैच से दूर है, वहीं पर सीएसके को अभी दो मैच जीतने होंगे। यह मैच दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यह मैच आपको 12 मई को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में टोटल 28 मैच खेले गए, जिसमें से चेन्नई 15 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर राजस्थान 13 मैच जीत के आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पे चेपाक के पिच हमेशा पेस बॉलर को सूट करती है, पेसर को यहाँ एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, पेस बॉलर्स को डेथ ओवर में प्रॉब्लम हो सकती है, एक और भी पेस बॉलर को हेल्प देता है। पिच कंडीशन को देखते हो यहाँ पर टॉस जीतकर टीम पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी, वहीं पे पेस बस स्पिन का रेशियो 3:1 का है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 46% रहेगा और टेम्परेचर 33°C रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 57% जीतने का चांस है, तो वही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 42% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 164 है, तो वहीं पर सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 151 है। तो दोस्तों अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम चेन्नई सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे चेन्नई ने टूर्नामेंट का जबरदस्त आगाज किया था, फिर टीम थोड़ा सा टैक से भटक गई, चूंकि टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिला। चेन्नई के लिए टाइटल डिफेंड करना इजी नहीं होगा। टीम के लिए सबसे पॉजिटिव उसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जो कि फॉर्म में चल रहे हैं, वो गजब की बैटिंग भी कर रहे हैं। ओपनिंग में बात करेंगे, जो कि रहाणे के साथ कप्तान गायकवाड़ स्टार्ट कर रहे हैं। रहाणे बहुत खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, लेकिन टीम उनको बैक कर रही है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, ऑरेंज कैप की रेस में कोहली को टक्कर दे रहे हैं। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में डैरी मिचेल और शिवम दुबे हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लोअर ऑर्डर में जहां पे धोनी और जडेजा मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी है, जडेजा अब तक उपयोगी इनिंग खेली है। वहीं बॉलिंग में बात करें, जो कि टीम ने 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ ट्राई कर रही है, वहीं पे मुस्तफिजुर रहमान जो अब टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने घर लौट गए यानी बांग्लादेश। दीपक चर भी चोट के चलते बाहर हो गए। लास्ट गेम में मिचेल सैंटनर को खेलने का चांस मिला था, तुषार देशपांडे और शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए थे। वहीं पर रिचार्ड ग्लेशर ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया स्पिन डिपार्टमेंट में, जहां पर रविंद्र जडेजा और मोइन अली खेल रहे हैं। अब बात करते हैं चेन्नई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, जिनके रहाणे हैं, डैडी मिचेल है, मोइन अली, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, मिचेल सैंटनर, रिचार्ड ग्लेशर और शार्दुल ठाकुर। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें, जो कि शेख रशीद है, समीर रिजवी है, प्रशांत सोलंकी है, अचिन रवींद्र है, मुकेश चौधरी है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे है और तुषार देशपांडे। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पर राजस्थान की टीम इस साल बेहतरीन बैटिंग कर रही है, परफॉर्मेंस भी कर रही है हर एक मैच में। टीम ने हर डिपार्टमेंट में अच्छा किया, टीम के सभी प्लेयर्स फॉर्म में दिख रहे हैं, जहां पे कप्तान संजू सैमसन टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 गेम में टीम हार मिली, इससे टीम को थोड़ा सा झटका जरूर लगा, लेकिन अब टीम को प्लेऑफ में जाने से बस एक कदम के दूर पे। टीम 11 मैच में से 8 जीत कर नंबर 2 पे स्टेबल है। अगर ओपनिंग में बात किया जाए, जो कि यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर उतर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में जहाँ पर संजू सैमसन और रियान पराग जो कि जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, संजू ने लास्ट गेम में 86 रन बनाए थे, अब तक वो 471 रन बना चुके हैं। फिर लोअर ऑर्डर में बात करेंगे, जो कि सिमरन हेटमार को ड्रॉप करके अफ्रीका के डिवॉन फेरारियो को मौका मिला था, लेकिन वो फ्लॉप चल गए। फिनिशिंग में शुभम दुबे और रोवेन पॉवेल खेल रहे हैं। बॉलिंग में टीम बस 5 रेगुलर बॉलर के साथ मैदान में उतर रही है, सभी बॉलर विकेट भी ले रहे हैं। 10 बोल्ट जो कि 11 मैच में 11 विकेट लिए हैं। टीम के नादिर बर्ग जो एक बार फिर से चांस दे सकते हैं। संदीप शर्मा ने 6 मैच में 10 विकेट लिए। वहीं पर आवेश खान जो कि लास्ट गेम में बहुत रन लुटा दिए। स्पिन बॉलिंग में जहां पर अश्विन और चहल आपको देखने को मिलेंगे, अश्विन ने लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे, अब चेन्नई के पिच पर इफेक्टिव हो सकता है। पिछले कुछ मैचों से चहल की गेंदबाजी काफ़ी महंगी पड़ रही है। अब बात करते हैं स्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जायसवाल है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुड़ेल है, डिवॉन फरारिया, रोवेन पॉवेल है, रविचरण अश्विन, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा और टेन बोल्ट है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे, जो कि केशव महाराज है,
आवेश खान है, कुलदीप सेन है, नवदीप सैनी है, कॉलर कैटमोर है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि संजू सैमसन, रियान पराग और यूजी चहल है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स होगा, यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।